कृष्ण हरे हरे
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्री उत्तापद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत सर्वस्व पदां भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रीमद् भागवत की पहला स्कंद का 18वां अध्याय का 48वां श्लोक 1848
1848 पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और भागवत अमृत पान पीने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण नारायण नमस्ते सरस्वती व्यासम जय अष्टप्रायेषु नित्यं भागवत तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपिः। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपिः। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपिः। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपिः। हरे कृष्ण। तो अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने के, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। फिर से अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टक का तीसरा श्लोक यहाँ पे साफ दिखाई देता है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरिः। तात्पर्य, तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की तात्पर्य। ऋषि शमिक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दे तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते हैं। किंतु यदि ऐसी चीज भगवान तथा भगवत भक्त के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं, क्योंकि यह निजी मामला था। अतएव शमिक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी
शक्ति होती है वह भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में निहित सेवा में ही लगती है। इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ही ओम तत्सत। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब्जेक्ट तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि काफी काफी जाना पहचाना सब्जेक्ट है, फिर भी श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख मिलता है। हम पिछले स्कंदों में आगे आने वाले स्कंदों में देखेंगे कि कैसे वृत्रासुर ने को श्राप मिला था पार्वती माता से, और सॉरी चित्रकेतु को श्राप मिला था माता पार्वती से और वो वृत्रासुर बने। तो भगवान के भक्त जब उनको श्रापित भी किया जाता है तब भी वो बदला लेने की भावना नहीं करते। इनके अंदर रजोगुण भाव नहीं होता, इनके अंदर भक्तों के प्रति दया का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होता है। सहिष्णु का मतलब है, हम सब जानते हैं कि एक चंदन के वृक्ष को अगर काट देते हैं कुहाड़ी से तो वो कुहाड़ी को भी चंदन की खुशबू दे देता है, वो कुहाड़ी भी सुगंधित हो जाती है। वो वृक्ष ऐसा नहीं कहता कि तुमने मुझे काट डाला तो मैं भी इसका बदला लूंगा। घास का तिनका भी, इसके ऊपर भी अगर हम पांव रखते हैं तो वो झुक जाता है, वो बदले की अपेक्षा या बदले की भावना नहीं करता। जहां बदले की भावना आती है वहां कर्म बंधन की श्रृंखला चलती रहती है, और जब कर्म बंधन की श्रृंखला चलती रहती है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। यहां पे हम देख रहे हैं कि कैसे नैमिषारण्य के ऋषि गण ने 6 प्रश्न किए थे, 6 प्रश्न के जवाब में सुत गोस्वामी ने जवाब दिए और बाद में कृष्ण कथा सुनाई तो सब लोग प्रसन्न हो गए। और उसके बाद में जब हरि कथा चलने लगी तो कहां से शुरू हुआ, तो परीक्षित महाराज जंगल में गए थे, रास्ता भटक गए और भूखे प्यासे उनकी जान खतरे में थी, और गुस्से में उन्होंने, हालांकि वो धार्मिक राजा थे लेकिन उनसे एक गलती हो गई। गलती होना और बदला लेना दोनों में अंतर है। यहाँ पे बदले की भावना की बात है। गलती किसी से भी जाने अनजाने में हो सकती है, लेकिन गलती का पश्चाताप और गलती फिर से दोबारा ना हो, गलती का पश्चाताप यही है कि आप चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर लो जिंदगी में, कितनी भी गलती बड़ी हो जाए हमसे, लेकिन वो दोबारा ना हो, उसका पश्चाताप हो, उसके लिए पूरा जीवन पश्चाताप में चला जाए लेकिन वो गलती दोबारा ना हो। तो गलती का पश्चाताप किया जा सकता है। पाप भगवान धो सकते हैं लेकिन हमारा अपराध भगवान नहीं धो सकते, क्योंकि अपराध जो है वो
शायद कोई और वैष्णव के प्रति होता है। भगवान अपने तरफ किया हुआ पाप या अपमान भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन भगवान जब कोई भक्त के प्रति अपराध होता है तो भगवान कहते हैं कि वो श्रृंखला, वो जुडिरिक्शन मैं अपने हाथ में नहीं रखता हूं, क्योंकि अहम भक्त पराधीन है, वो भक्त के हाथ में जवाब होता है और भक्त कभी बदला लेने का नहीं सोचता। यहाँ पे शमी ऋषि जो थे वो महान भक्त थे और अपनी दीर्घ कालीन दृष्टि से देख रहे थे कि कैसे मेरे बच्चे श्रृंगी ने अपनी अपरिपक्व अवस्था में कैसे गुस्से में आकर श्राप दे दिया है, और वो श्राप के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर श्राप देने के बाद जिसको श्राप लगाए वो व्यक्ति भी अगर सामने श्राप दे देगा तो मामला कर्म की श्रृंखला में बराबर का हो जाएगा, तो उसको माफ किया जाएगा, फिर उसको माफ करने की क्षमता भगवान में आ जाएगी। लेकिन अगर भक्त ने माफ नहीं किया तो भगवान कैसे माफ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी क्या बोलते हैं, एक सेंसेटिव पॉइंट है। इसलिए हम 10 नाम अपराध में देखते हैं कि सबसे पहला अपराध है वैष्णव के प्रति अपराध। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृतम में कहते हैं कि एक बागान में एक गार्डनर होता है और वो गार्डनर के अच्छा अच्छा भगवान के लिए पुष्प उगाता है, लेकिन एक नशे में आया हुआ ऐरावत हाथी अगर पूरे बाग के अंदर घुस जाए तो पूरी बाग को उखाड़ कर फेंक देता है, पूरे बाग को नष्ट कर देता है। वैसे है भक्तिलता बीज हम सब जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से, गुरु के पास से लेकर हरे कृष्ण महामंत्र से हमारी भक्तिलता बीज को हम बो दे, लेकिन गुरु की कृपा से वो हमारे अंदर बोया जाता है, लेकिन साथ साथ उसके साथ आने वाले वीड्स का मतलब है कि क्रोध या बदले की भावना, ये भी वीड्स है। ये आजू बाजू जो घास फूस निकल आता है भक्ति लता बीज के बाजू में मन के विचारों में, ये उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अरे यहां तक बताया कि अगर हमें नाम प्रतिष्ठा की भावना है, अगर हमें कंपटीशन की भावना है, उसको उखाड़ कर फेंक देना है। गुरु जो है वो हमारे अंदर गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज, वो भक्ति लता बीज हमें गुरु हमारे आत्मा के अकाउंट में बो देते हैं। चक्षुरुन्मीलितम उखाड़ कर फेंक देते हैं। जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमारे सभी पाप सभी मैल उखाड़ कर नष्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जब भक्ति लता बीज का आरोपण हो जाता है तो वो आरोपण का सिंचन इसी भाव में होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा स्टक में कहते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदाहरि। अगर हमें इसको उल्टे से देख ले, अगर हमें सदा हरि कीर्तन करना है, अगर हमें सदा हरि कीर्तन करना है तो हमें सहिष्णु बनना होगा। और सहिष्णु का मतलब ये नहीं है कि हम बाहरी दिखावा से सहिष्णु बने, हमारे मन के अंदर भी उद्वेग या दुखपूर्ण परिस्थिति रहनी नहीं चाहिए। अगर हमारे मन में भी दुखपूर्ण परिस्थिति किसी भक्त के प्रति हो जाए तो परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि इसके प्रति कोई दुखपूर्ण भाव दूसरे भक्त के प्रति है और ये दुख आगे जाके बदले की भावना में परिणित हो सकता है। इसलिए भगवान का जो भक्त है बहुत सचेत रहता है। दूसरे शब्दों में कहे तो कि जैसे हम भीष्म पितामह की प्रेयर पीछे देख गए तो भीष्म पितामह ने अपनी प्रार्थना में
एक बात बहुत सच्ची कही, जैसे हम एम्फोसाइज करते बार बार कि जैसे सूरज उगता है और आथमता है, और सूरज उगता है और आथमता है वो काल के प्रभाव में सभी लोग परवश होकर अपरवश होकर भी सभी कार्य कर लेते हैं। तो वहां पे भीष्म पितामह ने वाव लिया था, लेकिन उन्होंने कभी बदले की भावना मन में नहीं रखी। बदले की भावना किसके मन में थी? दुर्योधन के मन में। दुर्योधन में के मन में बदले की भावना होने से महाभारत का युद्ध हुआ। जहां जहां बदले की भावना है वहां वो भक्त का स्वभाव नहीं है। भगवान सबसे बड़े पापी जीव को भी सूर्य प्रकाश देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बारिश देते हैं, पानी देते हैं, खाना देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर पापमय वृत्ति से कर्म कर रहा है, लेकिन भगवान को जो देना है वो देते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, वो कहां से प्रकट होता है? भगवान क्या करते हैं, उनके पास जो पापमय वृत्ति में संलग्न है उनके पास आने का रास्ता बंद कर देते हैं। भगवान के पास जाने का वो रास्ता बंद करने का मतलब है उनको उनको जगाते हैं, उनको दिखाते हैं कि अगर आप ऐसी वृत्ति करोगे, वैष्णव अपराध करोगे, तो मेरे पास आने के लिए दुर्गम हो जाएगा। इसलिए भगवान भक्त को हर क्षण हर परिस्थिति में उनका कल्याण करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दिए, अगर बदले में शाप दे दिया तो बात खत्म। जैसे हम दामोदर लीला में भी देखते हैं कि कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव उनको श्राप दिया गया नारद मुनि के द्वारा कि भाई आपके आपके अंदर मन की चंचल वृत्ति होने से आप निर्वस्त्र जलाशय में स्नान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इनका बदले की भावना नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत अपनी गलती दिखाई दी और तुरंत नारद मुनि के पास जाकर माफी मांग ली, और जैसी माफी मांग ली तो नारद मुनि से एक आशीर्वाद मिल गया और वो आशीर्वाद उनको नेक्स्ट अगले जन्म में भगवान कृष्ण के आंगन में वो दो वृक्ष के रूप में प्रकट हो गए। तो जो भगवान गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को सुधार लेना वो बहुत बड़ी बात है। और गलती कौन सुधार सकता है? जिसके अंदर मिथ्या अहंकार नहीं है। मिथ्या अहंकार किसके अंदर नहीं है? हम सबके अंदर आंशिक स्वरूप में मिथ्या अहंकार होता है, लेकिन उसको महामंत्र के जप से हम साफ कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है कि नहीं, वो सुषुप्त अवस्था में रहता है, और जब प्रोवोकी सिचुएशन आती है तब बाहर निकल कर आता है। तो उस समय हम क्या करें, हमें कैसे पता करें कि हमारा मिथ्या अहंकार को हम अपने अंदर से निकालें? तो जब हम हमारा मन कर्म वचन जब हमारा मन कर्म वचन अलग अलग दिशा में कहीं भी टकराता हो, मन के अंदर भी अगर हमारा मन कर्म वचन कि मैं ये सोच रहा हूं, ये बोल रहा हूं और ये कर लूंगा, खाली मन में ये तीन विचार अलग अलग दिशा में किया नहीं है, अभी तो बीज के रूप में मन के अंदर है कि मैं इनको ऐसा दिखाऊंगा, ऐसा बोलूंगा और ऐसा करूंगा, तीनों अलग बात है। तो मेरे अंदर मिथ्या अहंकार, मेरे अंदर नाम प्रतिष्ठा की भावना है, मेरे अंदर नाम प्रतिष्ठा की मेरे अंदर मिथ्या अहंकार की भावना है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान का जो भक्त है उसी समय रोने लगता है, भगवान का भक्त उसी समय रोने लगता है। भगवान का भक्त उसी समय नहीं रोता है जब कर्म फल के प्रति उनको दुख मिला है। भगवान का भक्त जो है जब कर्म फल के प्रति उसको दुख मिला है कर्म फल के रूप में,
तो कर्म फल के रूप में दुख मिला है तो वो रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता है? क्योंकि वो खुश होता है कि मेरा कर्म का फल पूरा हो गया, इसके लिए मुझे आगे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज कभी बदले की भावना नहीं की, उन्होंने सोचा कि अगर इसको ऋषि के आशीर्वाद से अगर मैं ये कर्म को शांत करवा लेता हूं तो मुझे अगले जन्म में भोगना पड़ेगा क्योंकि मैंने गलत कर्म किया है। तो परीक्षित महाराज ने बदले की भावना भी नहीं ली और न वो जैसे न वो श्रमिक ऋषि ने उनको माफ करना चाहा। श्रृंगी अपने बेटे को कहा कि इनको माफ कर दो, श्राप मुक्त कर दो, तो भी परीक्षित महाराज ने मना किए। इसीलिए मना किया ताकि वो कर्म फल उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण न बने। तो वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण न बनने के लिए भगवान के भक्त सचेत रहते हैं। वो कर्म फल जो मिला है उसमें दुख भी मिला है तो उसको खुशी खुशी भोग लेता है। लेकिन अगर भगवान के भक्त के मन के अंदर, मन में खाली अगर मन कर्म वचन का विचार खाली अलग अलग दिशा में है तो उनको रोना आना चाहिए कि अगर अभी तो मेरे मन में ये बीज के रूप में है, ये बीज कब वृक्ष हो जाएगा और कब मुझे कर्म बंधन की श्रृंखला में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में लेकर जाएगा। तो वो भगवान को प्रार्थना करेगा, जिसका अपराध है उसकी माफी मांगेगा और भगवान को प्रार्थना करेगा कि ये बीज मेरे अंदर से कैसे नष्ट हो, क्या करूं तो मेरे अंदर से ये बीज चला जाए। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप। ये जो है ये रजोगुण और तमोगुण से आया है और त्रैगुण्य विषया वेद, ये पूरा तीन गुणों की माया में हम भौतिक जगत के अंदर है। लेकिन निस्त्रैगुण्य भवार्जुनो, हमें तीन गुणों से ऊपर उठना है। तो तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए उसके पास हमें जाना चाहिए जो तीन गुणों में बंधा हुआ नहीं है, जो सत्व। जैसे हम अगर एक व्यक्ति को सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रस्सी से बांध दिया है, दूसरे भक्त व्यक्ति को भी बांध दिया है, तो हम दूसरे को खोल नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए। लेकिन हमारा जो तीन गुण की रस्सी वो खोल सकता है जिसका हाथ बंधा हुआ नहीं है। तो गुरु हमारे जीवन में बहुत कीमती व्यक्ति है, कीमती भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, कीमती पोजीशन है कि जिसके प्रति हमें शरणागत होना है। गुरु ऐसा आइडेंटिटी है, भगवान के द्वारा भेजा गया है और गुरु भगवान ने इस गुरु को तीन गुणों से बाहर रखा है ताकि हमारे जैसे बद्ध जीवों की श्रृंखला को छोड़े। लेकिन ये श्रृंखला को छोड़ने के लिए गुरु भगवान कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दूरदृष्टि है कि इससे बाहर निकलना है, तो हमें गुरु के वचनों के अंदर पूर्णतया विश्वास होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा जैसे शंकराचार्य ने कहा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो मैं यहां तक कहूंगा कि हमें गुरु तो वैसे हमें शुद्ध ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर हम कनिष्ठ अधिकारी है, हमारे अंदर अपरिपक्व अवस्था है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? हमें क्या बोलते हैं, अंधश्रद्धा भी है तो भी हमें गुरु को प्रति समर्पित होना चाहिए। जब हमारे अंदर परिपक्वता आ जाएगी तो हम तुरंत गुरु के प्रति समर्पित हो जाएंगे। तो गुरु के प्रति समर्पित होना ये बहुत दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि चैतन्य महाप्रभु को भी ये कहना पड़ा कि यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौनो भगवान।
गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीच। तो भगवान का भक्त मेरा कहने का मतलब हम कहीं दूर दिशा में गए लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड लिंक है कि मिथ्या अहंकार नाम प्रतिष्ठा ये सब हमारे बीच से या बदले की भावना ये सब हमारे बीच से इस बीच को से बाहर निकलने के लिए हमें ये कार्य करना चाहिए। यहाँ पे शापित होने ठगे जाने के लिए प्रभुपाद जी वो मुनिपुत्र का एग्जाम्पल हमेशा प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में देते हैं कि वो मरोवा जीववा क्योंकि वो मरेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और जीवेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुनिपुत्र हरि कथा हरि महिमा का चर्चा कर रहा है। तो जो व्यक्ति ठगे जाता है तो वो भी बदले की भावना नहीं करेगा, इसके अंदर इसका कारण ढूंढेगा कि मेरे कर्म फल मेरे सामने प्रकट हुआ है, वो कर्म फल को फिर से दोहराना नहीं चाहेगा। इसलिए वो क्या करेगा कि उसमें भगवान की कृपा का दर्शन कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति से वो ठगा जाता है शायद वहीं से उसको चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो व्यक्ति ठगता है शायद वो उसका शिक्षा गुरु बन सकता है, क्योंकि वो उसकी आंख खोल देता है, वो उसकी आसक्ति हटा देता है, वो उसको समझा देता है कि ये संसार में किसी की आसक्ति रखने की आवश्यकता नहीं। जब तक हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये जगत में हर पद में हर कदम में आपत्ति तो आने वाली है, दुख तो आने वाला है, दुखालय है, लेकिन ये दुख का समस्याओं में अब जब हम गुरु और भगवान को छोड़कर कहीं और इसकी समस्या का हल ढूंढेंगे तो हमारे अंदर वो समस्या कहीं दूसरी और समस्या लेकर जन्म ले सकती है या वो समस्या टेम्पररी शांत होती हुई दिखाई देती है लेकिन समस्या शांत नहीं होगी। तो कभी ठगे जाने से भी हमारी आसक्ति छूटती है, समस्याओं का हल गुरु और कृष्ण के पास है। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है, तीन गुणों से मुक्त है, विशुद्ध सत्व में है, इसीलिए वो समस्या से हमारा हल छुड़ा सकते हैं। कभी कभी हम समस्याओं में इतने गहरे रहते हैं कि हमें डर लगता है कि कैसे हम समस्याओं से बाहर निकलेंगे। जैसे कि हम दरिया में डूब रहे हैं, हेलीकॉप्टर आया है, हेलीकॉप्टर ने रस्सी फेंकी है, हमने रस्सी पकड़ भी ली, गुरु की शरण में भी आ गए, वो रस्सी को पकड़ भी लिया, लेकिन फिर भी वो पानी के लेवल से लेकर हेलीकॉप्टर तक जाने के लिए हमें हमेशा डर रहेगा कि मैं फिर से गिर ना जाऊं, मैं गिर जाऊंगा तो फिर से मुझे तकलीफ होगी। तो वो सचेत रहेगा, वो बिल्कुल एकाग्रता से वो रस्सी को पकड़ के रखेगा। जितना उसको एहसास होगा कि भले हेलीकॉप्टर आया है, भले रस्सी मेरे पास भेजी गई है, भले मेरे जीवन में भगवान ने गुरु भेज दिया है भवसागर से उठाने के लिए, लेकिन वो उठाने के बाद वो रस्सी को इतनी कस कर पकड़ना है, इसकी एकाग्रता से पकड़ना है कि फिर से वो रस्सी हमसे छूट ना जाए। वो रस्सी तब तक हम एकाग्रता से पकड़ेंगे जब तक वो रस्सी हमें हेलीकॉप्टर में प्रवेश नहीं करा देती। हमें गुरु की रस्सी, गुरु का वचनो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, ये गुरु की वचनों की रस्सी हमें ऐसे तीव्रता से ऐसे एकाग्रता से पकड़ना है कि भले हमें कितना खतरा दिखाई दे लेकिन ये यात्रा है पानी के लेवल से हेलीकॉप्टर में जाने की, ये यात्रा है भौतिक जगत की जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गोलोक वृंदावन तक जाने का। और जैसे गुरु अपने पास
भगवान की सेवा में जीव को नियुक्त कर देता है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर हमें लेके कहीं और जगह जाके सलामत जगह में हमें नीचे उतार देता है। ठीक वैसे ही गुरु हमें भगवान के समक्ष भगवान के धाम में उतार देते हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं कि ये एक काल्पनिक चीज नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि अपमानित तो बहुत तुच्छ भावना है, अपमानित होना बहुत तुच्छ है। अपमान किसको लगता है? जो शरीर की बॉडी कॉन्शियस में है, शरीर की आइडेंटिफिकेशन में है, तो उसको लगता है कि मुझे ऐसा कह दिया, मेरा अपमान कर दिया। लेकिन उसको जो भगवान का भक्त है उसको लगेगा वो तो अपनी शुद्ध ज्ञान की परिपक्व अवस्था में है और वो देख रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो उसके ऊपर कोई क्या कुछ भी करेगा तो इसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं रहेगा, न मेरा हक था, न मेरा हक है और न मेरा हक रहेगा। ये एक मेरी यात्रा का एक साधन भगवान ने मुझे दिया है कि जिस यात्रा का साधन के उपयोग करके मैं अपनी गोलोक वृंदावन की यात्रा को सिद्ध कर लूं। तो वो अपमानित बहुत छिछरी तुच्छ रिएक्शन है अपमानित होना, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में नहीं होना चाहिए। ठगे जाना वो हमें संसार की आसक्ति छुड़ाने का एक सुअवसर के रूप में हमें लेना चाहिए। शापित होना, शापित होना अपना कर्म फल पूरा हो रहा है उस भाव में हमें लेना चाहिए, हमारी गलती का कर्म फल पूरा हो गया, अगले फिर से गलती ना हो। और जब भक्त के प्रति अगर हम शापित हो जाता है तो भक्त की कृपा बरसती है तो भगवान की भी कृपा बरसती है। चाहे वो अधम योनि में चला गया, चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर की योनि में चला गया, फिर भी उनका उद्धार निश्चित रहा। तो जैसे वो वृक्ष की योनि में नल कुबेर और मणिग्रीव चले गए फिर भी उनका उद्धार निश्चित रहा। तो शापित होने से भी विचलित नहीं होता है। तो उपेक्षित, उपेक्षित मतलब कोई व्यक्ति इग्नोर करता है। कोई व्यक्ति इग्नोर करता है तो क्या करना चाहिए? हमें संसार में हमारे माता पिता को कभी कभी हमने बचपन में अपरिपक्वस्था में हमने माता पिता के वचनों को नहीं माना था तो माता पिता को उपेक्षित किया। आज हमारे बच्चे भी हमें उपेक्षित कर रहे हैं। तो उपेक्षित ऐसी परिस्थिति है, खाली माता पिता और बच्चे की बात नहीं है, संसार में भी हम कभी कभी कोई मंदिर की मीटिंग में होते हैं या कोई समाज की मीटिंग में होते हैं, मीटिंग के सभ्य हैं, हम अच्छा सुझाव लेकर आए हैं लेकिन हमारा सुझाव सबको पसंद है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो सभी लोग कहते हैं कि सुझाव अच्छा है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ऐसा अगर तय करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उपेक्षित हो रहे हैं, हमको इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखें कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। जब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता तो हमें ये तय कर लेना चाहिए कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है। जब अपनी इच्छा को हम स्वयं उपेक्षित करेंगे और भगवान की इच्छा को प्राधान्य दे देंगे कि ये भगवान की इच्छा से होगा, मेरी इच्छा सही होने के बावजूद भी वो सही नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि शुरुआत में अर्जुन विषाद योग था भगवत गीता के अंदर, तो अर्जुन ने भगवान के सामने काफी समस्याएं दिखाई कि मैं गुरु को कैसे मारूं, पितामह को कैसे मारूं, अपने पुत्रों को कैसे मारूं, अपने ससुर को कैसे मारूं, अपने गुरु और ये वडिल परिजनों को भीष्म पितामह को कैसे मारूं। तो ऐसे मनुस्मृति के जरिए अगर हम देखें तो ये पाप की वृत्ति है, दिखाई देती है कि मैं इनको कैसे मारूं। तो वो विचलित था कि मैं ये पाप कर्म नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे उपेक्षित कर रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन मैं उनको ये पाप नहीं करूं। लेकिन फिर भी भगवान ने
कहा कि तुम मूर्ख हो, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में बाहरी शरीरों को देख रहा था, उनके अंदर जो धर्म का हानि हो रहा था वो उनको नहीं दिख रहा था, वो अपने लेवल में देख रहा था कि मुझे पाप लगेगा, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है। और भगवान कहते हैं कि तेरे लिए क्षत्रिय का धर्म है कि तू धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध करना होगा। तो हमें दिखाई देता है कि हमारा ओपिनियन सही है, अर्जुन को दिखाई दिया कि उनका ओपिनियन सही है, लेकिन फिर भी वो सही नहीं था, भगवान की इच्छा के अनुसार उनको युद्ध करना पड़ा। तो जब हमारे जीवन में भी हमारा ओपिनियन सही नहीं दिखे, तो हरी इच्छा मानकर, भगवान की इच्छा मानकर हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी समस्याओं का कारण ढूंढने जाएंगे तो हमारा भक्ति का जो प्रगति करने का सोपान है, हमारे जीवन में एक एक सांस बहुत कीमती है, हमारे जीवन में हमारे मुख में हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप कीर्तन बहुत कीमती है, हमारे जीवन में गीता और भागवत का अध्ययन बहुत कीमती है, हमारे जीवन में भक्तों का संग बहुत कीमती है। ये इसका अनमोल समय हम गंवाकर वो समस्याओं का कारण ढूंढने में हम चले जाएंगे, और जब समस्याओं का कारण ढूंढेंगे तो आखिर में मिलेगा ये तो मेरा मिथ्या अहंकार से मैं ढूंढ रहा हूं, और मिथ्या अहंकार जो है हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण है। मिथ्या अहंकार किसी के प्रति द्वेष करवाता है। आचार्यगण बताते हैं कि हमारे अंदर जो द्वेष और ईर्ष्या है ये हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनता है। तो द्वेष और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो द्वेष और ईर्ष्या यानी कि समस्याओं के कारणों में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें समस्याओं जो हमारे सामने फलित होकर प्रकट हो गई है वो समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमें वो रस्सी पकड़ना चाहिए कि ऐसी समस्या में मैं इसका जवाब लेने के लिए गुरु और कृष्ण के पास मेरा मन को भेजा है क्या, मैं अपने मन को गुरु और कृष्ण को समर्पित हूं क्या, मैं अपनी समस्याओं को दूसरों के पास ले जाऊंगा जो भी स्वयं भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रस्सी से बंधे हुए हैं। तो 10 व्यक्ति को मैं अपने समस्या सुनाऊंगा तो 200 व्यक्ति बंधे हुए हैं, 200 व्यक्ति बोलेंगे कि भाई तुम सही दिखते हो, लेकिन फिर भी वो लोग मेरी समस्या नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो स्वयं बंधे हुए हैं। समस्याओं से बंधना ये हमारा कर्म फल है, लेकिन समस्याओं से निकलना ये हमारा गुरु और कृष्ण की कृपा है, और गुरु और कृष्ण की कृपा रस्सी के रूप में मिलती है, लेकिन उसको एकाग्रता से तीव्रता से पकड़ के रखना ये हमारा हाथ में है। तो ताली दो हाथों से पड़ती है, एक हाथ से ताली नहीं पड़ती। जब कुम्भार जो है पॉटर जो है मिट्टी का घड़ा बनाता है तो मिट्टी का घड़ा बनाता है तो अंदर भी हाथ रखता है बाहर भी हाथ रखता है, अंदर का हाथ है परमात्मा का भगवान का और बाहर का हाथ है गुरु का, दोनों के हाथों से ये पात्र तैयार होता है। जब दोनों के हाथों से पात्र तैयार हुआ गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, तो हमें भक्ति में भी हम इतने नम्र सहिष्णु होने चाहिए कि हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि कितना मेरा भगवान की मेरे पर कितनी हेतु की कृपा है कि भगवान मुझसे भक्ति करवा रहे, भगवान मुझसे सही दिशा में ले जा रहे, भगवान मुझसे हरिनाम करवा रहे, भगवान मुझसे भक्तों का संग दे रहे। वो जो सहिष्णु का मतलब है उसको अपनी भक्ति का भी अहंकार नहीं रहेगा, उसको समस्याओं से तो बाहर रहेगा ही रहेगा, वो अपनी भक्ति को भी समर्पित रहेगा, वो भक्ति को तीव्रता से पकड़ के रखेगा, और जब भक्ति को तीव्रता से पकड़ेंगे हमारी समस्या को ताकत से पकड़ेंगे तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जाएंगे, लेकिन भक्ति को तीव्रता से पकड़ेंगे तो हम गुरु के जरिए हेलीकॉप्टर के जरिए, नहीं तो
वो समस्या ऐसी है भव सागर के अंदर कि वहां से बाहर निकलना का कोई चारा नहीं है। हम दरिया के बीच में फंसे हुए हैं तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। जो हेलीकॉप्टर भेजा है तो वो गुरु कृपा है, भगवान की कृपा है। अभी हमारे जीवन में हमें लगेगा कि हमारे जीवन में गुरु को हेलीकॉप्टर्स की उपमा क्यों दी है। हेलीकॉप्टर का कोई रूट नहीं होता, हेलीकॉप्टर अचानक कहीं से भी आज भगवान के द्वारा भेजा जाता है। भगवान वो पायलट के हृदय में बैठे हैं और उसको आदेश देते हैं, वो आदेश के अनुसार वो हेलीकॉप्टर ढूंढता है दरिया में कि कैसे ऐसे जीव पड़े हैं, ऐसे जीवों को कैसे मैं निकाल लूं। और प्रभुपाद जी जैसे गुरु भगवान के द्वारा भेजा गया और प्रभुपाद जी जैसे गुरु वो पाश्चात्य जगत के अंदर भव सागर में गए, वहां से ऐसे जीवों को उठा लिया जो गुरुवर्य है। पर वो गुरुवर्य हेलीकॉप्टर लेकर निकले थे और हमारे हमारे भव सागर में आए और हमारे भाव सागर से हमें उठा लिया। तो हेलीकॉप्टर की कोई दिशा नहीं होती है, हेलीकॉप्टर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जैसे गुरु और शिष्य का कोई जेनेटिक कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन फिर भी गुरु कृपा करता है, तो कृपा को समझना, कृपा को अपनाना, कृपा के प्रति द्रवित होना, वो व्यक्ति सहिष्णु बन सकता है। वो कृपा का पेमेंट पेबैक कभी नहीं कर सकता। वो शिष्य, वो संतान माता पिता का ऋण नहीं अदा कर सकता, वैसे वो शिष्य वो गुरु का और भगवान का ऋण कभी नहीं चुका सकता। और जब ये समझता है तब वो सहिष्णु बन जाता है। सहिष्णु का मतलब ये नहीं है हरे कृष्ण प्रभु हरि बोल ये तो एक बाह्य सदाचार की एक एडिक्वेट है, वैष्णव एडिक्वेट है। लेकिन ये हमारे अंदर परिपक्वता के रूप में परमानेंट होना चाहिए। जैसे बार बार एग्जांपल देते हैं कि आप सांप को हाथ लगा दो तो सांप के अंदर क्या है, पॉइजन है, तो डसेगा ही, और डसेगा तो वो हमें काटेगा, वो हमारे वो जहर फैलाएगा। तो हम किसके पास हाथ रखते हैं वो जरूरी है। तो इस संसार में सभी गुण लोग अलग अलग परिस्थिति अलग अलग तीन गुणों की मात्रा में, कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सत्व गुण में है। तो वो व्यक्ति हमें सुझाव भी तीन गुणों के अतिरिक्त नहीं दे सकता। तीन गुणों के अतिरिक्त सुझाव देना है तो हमें अंधेरे में भी गुड़ को पकड़ना है। गुड़ को पकड़ने का मतलब है ये गुरु और भगवान की कृपा करवाते हैं। गुड़ का मतलब है वो कहीं से भी चखलो वो मीठा रहेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है कि हमें हर परिस्थिति में भगवान का भक्त उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता है। हमारा अंदर पॉजिटिविटी है या नहीं है ये हमारे बोलने से, हमारा दो लिप सर्विस से हम नहीं कह सकते। हमारे अंदर हमारे दो होठ हाँ हाँ प्रभु जी हम आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा बहुत आसानी से कह सकते हैं। लेकिन किसी ने बाहर आके एक चांटा मार दिया तो तुरंत हमारे हाथ उठ जाता है और दूसरा चांटा मारने के लिए, भाई तुम मार सकते हो तो मैं भी मार सकता हूं। तो ये हमारे अंदर क्या है वो तुरंत बाहर प्रकट हो जाता है। प्रोवोकी सिचुएशन, बदले की भावना। ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम शांत रह जाए, बदले की भावना में हम शांत रह जाए, तो हमारा स्थान गुरु और भगवान के, गुरु की प्रसन्नता के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए पहुंच जाए। तो आज का श्लोक बहुत जरूरी है कि अपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी। अभी देखिए हरिदास ठाकुर को चौराहे पे उनको कोड़े मारने की सजा मिली थी। तो कोड़े मारने की सजा मिलने के बावजूद भी उन्होंने बार बार भगवान को प्रार्थना की, भगवान उसको माफ कर दो, भगवान उसको माफ कर दो, भगवान उसको माफ कर दो। तो वो जो कोड़े मार रहे थे वो थक गए और चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि भाई मेरा सुदर्शन चक्र क्यों नहीं जा रहा है। तो
वो सुदर्शन चक्र कहता है कि ये भक्त माफी मांग रहा है, उनके लिए माफी मांग रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके वो भक्त को आवरण कर देते हैं। हालांकि चौराहे पे हरिदास ठाकुर को मारने का ऐलान किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बदले की भावना नहीं ली, फिर भी उन्होंने उनका कल्याण देखा। प्रहलाद महाराज, उन्होंने उनका कल्याण देखा। पिता को जैसे भगवान ऋषि भगवान प्रकट हो गए, तो ऐसा नहीं कह दिया कि भाई अभी तो भगवान आ गए, मेरी फेवर में आ गया, अभी मैं मेरे पिता से बदला लेता हूं। नहीं, उन्होंने सबसे पहले कहा प्रहलाद महाराज ने कि प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हो तो कृपा करके एक मेरी प्रार्थना है, मेरे पिता को माफ कर दो। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, वो बदले की भावना नहीं रखते। इनके अंदर कहीं से भी अंधेरे में भी चख लो, भक्तों को भक्त का स्वभाव है, कहीं से भी उसको टच में आ जाए तो वो मीठापन दिखाएगा। इसीलिए ये कहावत है, एक घड़ी आधी में पुनिया करे संगत जो साधु की कटे कोटि अपराध। साधु कौन है, भक्त कौन है? भक्त वो है जो ऐसे अपराधों से भी बाहर होकर वो गुरु और कृष्ण के प्रति समर्पित है, और वो दूसरे जीवों के कल्याण के लिए और अपना कल्याण भी ही साथ साथ देखता है, अपना भी कल्याण देखता है साथ साथ दूसरों का भी कल्याण के बारे में सोचता है। जैसे हरिदास ठाकुर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते थे। कभी कभी हमारे जीवन में झगड़ा हो जाता है, कई लोगों से झगड़ा हो जाता है, तो हमें इसके कारणों में नहीं जाना है, मैं सही हूं मैं गलत हूं इसके प्रति हमें नहीं जाना है। तुरंत हमें वो व्यक्ति के सामने और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, भगवान सबको सद्बुद्धि दे दो, हमें कहां स्थित होना है हमें पहुंचा दो, चाहे मैं सही हूं गलत हूं उसका कोई प्रमाण नहीं है। सही और गलत हमारी देखने से नहीं होते। एक गाय ब्राह्मण के पास होकर जा रही है, पीछे शिकारी चल रहा है, गाय उत्तर दिशा में चली गई, तो वो शिकारी आकर वो ब्राह्मण को पूछता है गाय कहाँ गई, तो वो ब्राह्मण कहेगा कि गाय दक्षिण दिशा में गई, तो वो झूठ बोला है, वो सत्य नहीं बोला है, लेकिन फिर भी वो परम सत्य है क्योंकि उन्होंने गाय की रक्षा की। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हमारे चमड़े की आंखों से जो हमें मैं सही हूं ये भाव हमसे हमारे अंदर से निकलना चाहिए, मैं सही नहीं हूं। हमारे सामने जो वर्तमान परिस्थिति गुजर रही है, जैसे भीष्म पितामह ने कहा ये समय का, हे वासुदेव ये समय का प्रभाव सब कर रहा है, मैं देख रहा हूं, तो ये वर्तमान परिस्थिति के प्रति समर्पित होके वो तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरी ही, ऐसे भाव में रहता है। तो दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे क्या होगा कि कीर्तनिया सदा हरी हम कर पाएंगे, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, जो हमारा 99% सेवा मनुष्य जीवन में जो ध्येय है वो सदा कीर्तन करना है, तो हमें ये हमारे अंदर ये गुण आने चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये रास्ता दिखाया है, और आज के एपिसोड में शमीक ऋषि का जो एग्जाम्पल है उसमें वो परिपक्व अवस्था में वो एग्जाम्पल हमारे सामने श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के जरिए प्रस्तुत हुआ है। तो वहां पे एक साधना के रूप में शिक्षा, एक शिक्षा के रूप में शिक्षा स्ट्रक के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, और हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल, या चित्रकेतु महाराज चित्रकेतु का एग्जाम्पल, ये सब, या अर्जुन का एग्जाम्पल ले लें, तो ये एग्जाम्पल परिपक्व अवस्था है। यहाँ पे शमीक ऋषि अपने पुत्र के लिए आए हैं श्रृंगी को, लेकिन वो देख रहे हैं कि वो राजा भक्त है, जब भक्त है तो बदले की भावना नहीं करेगा, इसलिए उसको मेरे पुत्र को श्राप नहीं देगा, और बाकी उसकी गलती हो गई है तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान उसकी अपरिपक्व अवस्था में जो गलती हुई है तो उसको माफ करे, और
वो उनको क्षमा करने के लिए तैयार है, यानी कि उनको श्राप मुक्त करने के लिए तैयार है। तो ये शमिक ऋषि का जो परिपक्व अवस्था है, वो परिपक्व अवस्था की चर्चा हुई। तो हमारे जीवन में भी ये भाव आना चाहिए। भगवान का नाम, सिर्फ नाम लेने से क्या होगा, हमारा हृदय कोमल होता जाएगा, और जितना कोमल होगा उतना हम जैसे उसका शेप देना चाहेंगे वैसा शेप दे पाएंगे। अगर हृदय कठोर है तो हम उसको आकार चेंज नहीं कर सकते। जैसे भक्ति लता वेल है, भक्ति लता है, तो जब लता है तो उसको हम मोड़ सकते हैं, लेकिन वो जाके वृक्ष का थड बन गया, ट्रंक बन गया, तो उसको मोड़ नहीं सकते। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि इस मनुष्य जन्म में हमें वृक्ष के थड नहीं बनना है, हमें भक्ति लता बीज के जैसा रहना है, हमारा हृदय और मन की भावना और साथ साथ हमारी श्रद्धा, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया एक्य, इसके अंदर आगे जाके बड़ा रहस्य है। आज हम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमा मुक्ति ते, आज और गुरु कृष्ण की कृपा से हम ददामी बुद्धि योगम तम मिल रहा है, कल जाके वो गुफा, वो केव के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां से चलकर भगवान कहते हैं वो भक्त मेरे पास, मेरे चरणों तक पहुंच जाता है और वो मेरी अनुकंपा है। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? इस क्लास की, इस श्रीमद् भागवतम क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु इस होलीनेस जयपताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से ये सब हम कर रहे हैं। उनकी कृपा से उनका उनका दिया हुआ धन है कि भागवत के जरिए, प्रभुपाद जी के जरिए, भागवत के जरिए, गुरु की कृपा के जरिए हम भक्तों के बीच में हम आदान प्रदान कर रहे हैं। और तुष्यंति च रमंती च, अगर ये सुन के अगर हमारा मन का भार उतर जाए, अगर हमारा हृदय का भार उतर जाए, तो हम ऑटोमेटिक तुष्यंति च रमंती च कर पाएंगे, हम कठोर अवस्था से बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये गुरु की कृपा है। तो इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु महाराज जिसकी जिन्होंने संपत्ति दी है उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि या क्षति रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।